justice for justice for justice for justice for justice for justice for insaaf do 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 मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज के लाइव में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद है मुमरा पुलिस स्टेशन से सटे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चौक पे। आज यहां पे MIM की तरफ से यहां पे बड़े पैमाने पे यहां पे एहतजाज किया जा रहा है। आपको बता दें जो घटना सतारा जिले के पोसेस वाली मस्जिद में हुई थी, इसमें दंगाइयों ने मस्जिद को शहीद किया और वहीं पे उसमें एक जो नूरुल हसन नामी एक व्यक्ति को शहीद कर दिया था, उसी को लेकर आज पूरे महाराष्ट्र में हर जिलों में इस तरीके का एहतजाज किया जा रहा है। वहीं आज मुमरा पुलिस स्टेशन के पास भी MIM की तरफ से यहां पे बड़े पैमाने पे एहतजाज किया जा रहे और पूछते हैं आज इस धरने प्रदर्शन को लेकर हम बात करते हैं साहेब पठान से। देखिए पूरे महाराष्ट्र में आज MIM की तरफ से धरना प्रदर्शन रखा गया है। आपको पता होगा कि सितंबर 10 सितंबर को सतारा डिस्ट्रिक्ट के पुसे सावली गांव के अंदर एक वाकया हुआ कि मस्जिद पे कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया रातों रात करीबन 8:30-9 बजे के करीब, और मस्जिद में काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया मस्जिद की चीज़ों में। और उसके बाद यानी वहां पर जो हमारे एक भाई थे नूरुल हसन भाई, उनको शहीद कर दिया गया, वहां के काफ़ी लोगों को घायल किया गया। तो उसके चलते MIM पिछले एक महीने से कंटिन्यूसली यानी इसके खिलाफ कंप्लेंट्स कर रही है, हर विभाग में कंप्लेंट्स कर रही है जो जो इसमें दोषी है। जैसे कि एक BJP के उपाध्यक्ष का विक्रम पावस्कर का नाम आ रहा है उसमें कि उनके लोग थे और वो भी खुद मौजूद थे वहाँ पर और उन्होंने इसको भड़काया, इस दंगाइयों को मदद करी, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। जिस तरीके से पुलिस ने वहाँ पर अनदेखी करी, वहाँ पुलिस वाले मौजूद थे लेकिन उसके बावजूद भी ये सब हमला होता रहा, तो उनके ऊपर यानी कार्रवाई हो। फिर उसके बाद यानी जो लोग वहाँ पर जख्मी हुए उनको कुछ मुआवजे मिले। इस तरीके से MIM कंटिन्यूसली इसके पीछे मांगनी करी, जो हमारे नूरुल हसन भाई शहीद हुए उनके परिवार में से किसी नौकरी मिले, तो ये सब मामलात को लेकर के एक महीने से कंटिन्यूसली फॉलोअप चालू था। अब MIM ने आज यानी हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब उनकी हिदायत पर, जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, उनके आदेश पर आज पूरे महाराष्ट्र में इसलिए धरना दिया जा रहा है ताकि सरकार तक हमारी बातें पहुँचाई जाए, हर तरफ हर तालुका से यानी इसके खिलाफ आवाज़ उठे और सरकार तक उस बातों को पहुँचाया जाए अपने धरने आंदोलन के जरिए कि मस्जिद पे जो हमला हुआ वो बर्दाश्त काबिले बर्दाश्त नहीं है, हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस पे जो जो दोषी उन पे कार्रवाई हो। ये थे हमारे साथ में साहेब पठान, जिस तरीके से सतारा के पोसेस वाली मस्जिद पे पथराव किया गया था और वहाँ पे नूरुल हसन नामी एक व्यक्ति को शहीद कर दिया था, उसको लेकर आज यहाँ पे MIM की टीम यहाँ पहुँची है और उन्होंने अपनी मांगे भी बताई है कि जिस तरीके से इस मामले में जो पुलिस अधिकारी है वो कहीं ना कहीं उनका भेदभाव चल रहा है, उसको लेकर भी उन्हें निलंबित करने की मांग की है। वहीं पर नूरुल हसन के परिवार को 1 करोड़ रुपये की मदद की जाए, उसकी भी उनकी मांग है। वहीं उसके परिवार को भी एक सरकारी नौकरी देने की उन्होंने मांग की है। और उसके अलावा जो 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 दंगाई है, जो विक्रम पावस्कर है उसको उस पर वो कड़ी कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की है। इसी को लेकर आज पूरे मुमरा में आज MIM की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया है और इस मुमरा के अलावा पूरे महाराष्ट्र में इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो को कहीं ना कहीं आज यहाँ पे उस परिवार को इंसाफ मिले और उनके घर परिवार वालों को नौकरी मिले और जो इसमें दंगाई है उनको कड़ी सजा मिले। ये थी हमारी रणभूमि लाइव के माध्यम से खबर। इसी तरह की और खबरों के लिए रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।